रात से बहुत पेन था। नोट नोट अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? तो आप इस्लाम कर दो। तो इस्लाम कर दो कि पोनी देखेगी दिल लगनी होगी, तो इस्लाम कर दो। बोलो बोलो गुड नाइट, गुड नाइट बोल दो। गुड बाय बाय कर दो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ कर दो। सोया कहती थी गुड नाइट गुड नाइट। सो जाओ सारे। अच्छा जी, अभी इनके कपड़े वाश करने हैं सोया के, पिंक वाले, फातिमा के, अपने एक जोड़ा है वो हाथों से धोने हैं, तीनों जोड़े। मैंने कहा मशीन तक जमा ना करूँ, और उसके बाद हांडी बनी हुई है। रात को मैंने बनाई थी बिरयानी आलू पूरी, जिसमें नमक बहुत ज़्यादा कम पड़ गया था, उसका भी कोई इलाज करना है। और देखूँगी रात को दही मंगा के रायता वगैरह बना के मिक्स कर दूँगी। पता नहीं, समझ ही नहीं आई डाला नहीं है या डल कम गया है। और उसके अलावा दाल पड़ी हुई है, काली दाल बनी हुई, तो वो खा लेंगे दिन को रोटी के साथ। और अभी मैं जल्दी जल्दी से कपड़े धो लेती हूँ और फिर अपनी कमीज स्टिच करनी है वो कर लेती हूँ। ब्लैक सूट जो 2 महीने ढाई महीने पहले लाया था या 3 महीने में भी पहले लाया था, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। खुद स्टिच करती हूँ मैं, आपको पता है, यू नो। और स्टिच करने के बाद मैं आपको बताऊँगी। ये सोया का देखिए सी दिया था अपने, नहीं सिया था जो, क्या हो गया, हार जा गई नोजी में, हिंदी गुंडी बच्ची, नहीं नजर आ रहा इस तरफ। ये चिड़िया का बच्चा छोटा सा नीचे गिर गया था और अब्दुल्ला लोगों ने इसको पकड़ के इधर बास्केट में डाला हुआ है। इसमें इसमें डाल दो अब्दुल्ला, उधर कवा इसको तंग कर रहा था ना, कवा इसको मार रहा था, तो अब्दुल्ला ने इधर आ, ये देखिए कितना खूबसूरत सा है ना छोटा सा, ये देखिए इसको उधर कवे मार रहे थे ना, तो अभी इसकी मम्मा शायद इसको ढूंढते हुए आए तो फिर इसको ले जाए। ये देखिए कितना छोटू सा है ना, मुझे इतना प्यारा लग रहा है। अभी अभी कपड़े किए हैं प्रेस सियावला के और फातिमा के, क्योंकि आपको पता है गर्मियाँ, और गर्मियों में कपड़े ज़रूरत आते हैं, हर 2 दिन बाद पसीना आता है। और ऐसे भी सियावला को जब से घुटने में लगी थी उसने वही सूट पहना हुआ था, 4-5 दिन हो गए थे, तो मैंने कहा अभी चेंज करके दे दूँ, मुँह हाथ धो ले फ्रेश हो ले, क्योंकि इन्हें लाया भी नहीं था। उसके बाद उसे घुटने में चोट ज़्यादा आई थी, तो पानी लगने से ज़ख्म और ख़राब हो जाना था। इनके कपड़े भी धो लिए हैं फातिमा जोया अपने हाथों के साथ, और अभी खिलाने लगी हूँ मैं जोया को खाना, जो कि आपको मैंने बताया काली दाल बनी हुई है, तो काली दाल जोया को अच्छी लगती है। जोया को सब कुछ ही अच्छा लगता है, जोया खा लेती है सालन के साथ, बट सालन थोड़ा थोड़ा खाती है लेकिन खा लेती है। इसको दही भी मैं खिलाती हूँ, थोड़ी सी उसमें चीनी ऐड करके, जो बाज़ार वाला दही होता है, और अभी वो फ़िलहाल नहीं था तो वो नहीं खिला रही मैं, लेकिन रात को इंशाल्लाह इसके बाबा से मंगवा लूँगी दही, ताकि ये खुशी खुशी खाना खाती है दही के साथ। अच्छा, अभी आपके भाई दूध लेके आए हैं, दही लेके आए हैं, और साथ वो कह रहे थे कि मेरे लिए जो है अंडा और आलू फ्राई कर दो, मतलब टमाटर फ्राई कर दूँगी इसमें मसाले वगैरह ऐड करके, और उसमें अंडा और आलू ऐड कर दूँगी, आलू फ्राई किए होंगे। इस तरफ मैं दूध को बॉयल कर रही हूँ और साथ साथ आपके भाई दही ले आए हैं। पहले मैं पढ़ा रही थी बच्चों को ट्यूशन, और वो फ्री हुए हैं, तो उसके बाद अभी मैंने ये काम स्टार्ट किया है। आपको पता है दही क्यों मंगवाया था, क्योंकि चावलों में नमक कम पड़ गया था, उसको मैनेज करने के लिए रात को वही खाने हैं हमने। और आपके भाई के लिए बना रही हूँ आमलेट, मतलब आमलेट क्या, आलू अंडा बना रही हूँ। तो ये देखिए छिलका भी साथ चला गया, क्योंकि मैं एक हाथ से बना रही हूँ व्लॉग, और दूसरे हाथ से, एक हाथ से यानी कि वीडियो शूट कर रही हूँ मोबाइल पकड़ के, और दूसरे हाथ से ये काम कर रही हूँ, क्योंकि सैनब का फिज़िक्स का पेपर है तो उसको मैंने साथ नहीं बुलाया हुआ। मैंने कहा उसका टाइम वेस्ट ना हो, खुद ही कर लेते हैं जल्दी जल्दी सारा काम, तो ये मज़े का होता है, मुझे भी अच्छा लगता है आलू अंडा। लेकिन आज मैंने खाने हैं चावल जिनमें नमक कम पड़ गया था, बिरयानी टाइप ही समझ लें। साथ साथ दूध को भी बॉयल आने वाला है अब, और बस काम तो चलते रहते हैं, आपको पता है काम, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है, एक के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा काम। कोशिश मेरी ये होती है कि सारे काम साथ साथ मैनेज करूं, बच्चों को भी टाइम दूं, उनकी स्टडी को भी टाइम दूं। नोज किधर है, आइस किधर है, आइस टीथ किधर है, टीथ बताओ, टीथ बताओ, ईयर्स किधर है, ईयर्स ईयर्स, बाय बाय करो, बाय बाय, बाय बाय कर दो चोरी, बाय बाय कर दो, बाय 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 बाय, वन टू सुना दो, वन टू, वन वन टू सुनाओ, वाई टू,
जोया लगा रही है झाड़ू, और मैंने क्या टमाटर तोड़ अच्छा लेते हैं, टमाटर पक गए हैं अभी, कुछ कुछ फिर पकने लग गए हैं, मतलब तैयार हो जाता है टमाटर, फिर तोड़ लेते हैं, इससे ज़्यादा जो है रेड हो जाए तो फिर ख़राब हो जाता है। ये देखें 5 टमाटर हो गए हैं, एक और उधर लगा हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ज़ियाउल्ला कह रहे हैं मम्मा इधर भी लगा हुआ है एक टमाटर, तो ये देखें पहले इनको छोड़ लेती हूँ क्योंकि हाथ में जगह नहीं है, एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ में टमाटर। किस किस के घर में यूँ सब्ज़ी लगी हुई है और उसको तोड़नी अच्छी लगती है। एक वो गिरा हुआ भी है, पता नहीं इन्होंने तोड़ के फेंका है बच्चों ने या गिर गया है, चेक करती हूँ, ये कुछ उस साइड से ख़राब लग रहा है मुझे, तो बस ये टमाटर लेके जाके अंदर पच्ची में डालते हैं और फिर इनको धो के फिर फ्रिज में रख दूँगी। फातिमा कह रही है मम्मा एक टमाटर मेरे पास भी है, तो ये फातिमा ने भी दे दिया है टमाटर, और जोया उधर अब्दुल्ला को कह रही है मैंने झाड़ू लगानी लगानी है, आप छोड़ दो मुझे मैं झाड़ू लगाऊँ। तो धनिया जो हमारा था वो भी पक चुका है, मतलब अभी तोड़ने के काबिल नहीं है, ये देखें इसके ऊपर फूल भी लग गए हैं और कुछ के ऊपर बीज भी लग गए हैं, और फिर ये खुश्क हो जाते हैं, तो जैसे खुश्क धनिया होता है ना उस तरह का ये बन जाता है। फूल अभी फ़िलहाल एक ही है, उस तरफ हैं तो 3 पिंक, ये ख़राब हो गए थे सारे बारिश के साथ ना। मैं आपको बताती हूँ जो हमारे घर 2 बच्चे आए हैं न्यू, ये देखें 2 बच्चे दिए मतलब हैच हो गए हैं उनके एग, जो तोती के मैंने आपको 2 एग बताए थे, 2 इसके हैं ग्रीन वाली के, ये देखें ये अभी आई है बच्चों को फीड करवाने, और वो सामने जो साथ में येलो थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है ना आपको, उसके भी 1 बच्चा है और 2 अंडे हैं या इस तरह कुछ है। ये पत्थरों का नाम है बिलाल, कितने रुपए के हैं सामने करो जरा, ये अगर आप लोगों में से किसी ने खरीदने हो ये 100 रुपए के हैं, ठीक है। और ये इन पत्थरों का नाम क्या है, क्या नाम है इन पत्थरों का, ये आपने कहाँ से कलेक्ट किए हैं? हाँ हमारे घर में ये कीमती पत्थर है, और इससे क्या क्या बन सकते हैं? आप अपनी अंगूठी में ये वाला कीमती पत्थर फातिमा कहती है लगा सकते हैं। अभी खाने लगी हूँ मैं ये 2 मेडिसन टैबलेट, और ये मेरे हस्बैंड लेके आए हैं मेडिसन मेरे लिए। तो बस ये था छोटा सा व्लॉग मेरा, आज मेरे दांत में बहुत ज़्यादा पेन था रात से, और रात से बहुत ज़्यादा मतलब पेन है और मुंह सारा स्वेल हुआ है, इस साइड से शायद थोड़ा सा आपको फील हो रहा इस तरफ से, तो दांत ख़राब हो रहे हैं सारे, बुढ़े हो गए हैं। और आपने कोई हाल बताना है, मेरे दांत सारे ख़राब हो रहे हैं टोटली, वो जैसे होते हैं ना रस्ट हो रहे होते हैं, जैसे कहते हैं पुर के टूटना हम अपनी लैंग्वेज में पुर नहीं कहते हैं, ऐसे मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, तो अभी डॉक्टर से मैं पूछूंगी क्या इनका इलाज है, वो तो कह रहा था 8 दांत आपके ख़राब हो चुके हैं और 8 दांतों का इलाज कराना पड़ेगा। मुझे डर लगता है, और मुझे लगता भी नहीं है कि दांत ठीक करवाने के बाद के कोई उनकी एज रहेगी, हर 2 साल बाद, 2 साल बाद तो नहीं, मुझे ऐसे लगता है 2-3 महीने बाद जाना पड़ा करेगा। किसी का एक्सपीरियंस हुआ दांतों के बारे में तो ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सामने वाले सही हैं, देखें सामने वाले सही हैं, जो बड़े दांत हैं ना वो ख़राब हैं, सारे ख़राब हैं और मेरे से बात नहीं की जा रही। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, कोई चीज़ अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बैन को डेढ़ से दो में याद रखा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।